हुआ है, ये प्रशिक्षण सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए ही नहीं था, ये प्रशिक्षण आप अपनी निजी जिंदगी में अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने स्कूल के साथ जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के साथ हम कैसे बिहेव करेंगे, उनका कैसे निस्तारण करेंगे, उस बारे में भी बताना। क्योंकि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारा शिक्षक अनेक प्रकार की समस्याएं देखते हैं, उन समस्याओं के चक्कर में उतना तनाव में आ रहा है कि कभी कभी वो अपने आप में परेशान हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसके कारण सरकार ने देखा कि WHO के द्वारा WHO ने 11 जीवन कौशल निर्धारित किए हैं, लेकिन 10 जीवन कौशल को उन्होंने सिलेक्ट किया और सोचा कि हम अपने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाएं जिससे वो चीज़ों को समझ सके और उनके सामने जो समस्याएं आ रही हैं उसको बहुत आसानी से हैंडल कर सके। ऐसा नहीं हमें कुछ आता नहीं था, जो आपको बताया गया सब आपको आता था, लेकिन जो चीज़ें मस्तिष्क दिमाग के पीछे पटल पे थी वो उभर के सामने आ गई। पहले पहले दिन आपको लगा होगा कुछ बोलने का मन नहीं होता, कोई एक्टिविटी करने का मन नहीं होता होगा, धीरे धीरे मैं वीडियो देखा हूँ आप लोगों के, आ नहीं पाया लेकिन वीडियो देखा हूँ, तो वीडियो देख के लगता है कि आप बहुत सक्रिय रूप से इसमें प्रतिभाग किए। तो जितने भी बैच गए, ये आठवां बैच है, आठवें जितने भी बैच गए हर बैच में यही रहा। मैं पहले ही दिन कहता था कि जब आप जाएंगे तो जाने के बाद में आपको तकलीफ थोड़ी होगी, वास्तव में सोचिए आपको थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि अगर दो दिन और चलता तो और अच्छा लगता। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं इनमें एक ऐसा संबंध स्थापित हो गया होगा, इतना अच्छा संबंध स्थापित हो गया होगा कि आप भूलेंगे नहीं एक दूसरे का चेहरा। और हम अपने बच्चों के साथ में कैसे उनकी भावनाओं को समझेंगे, उस हिसाब से व्यवहार करेंगे, ये भी सीखा होगा, कर रहे हैं लेकिन अब और अच्छे से करेंगे, क्योंकि हमारा व्यवहार इस रूप में प्रभावित होता है कि जब हम दूसरों की भावनाओं को समझ करके व्यवहार करते हैं तो व्यवहार ज्यादा स्थायी होता है, ज्यादा रुचिकर होता है। हमने किसी की भावनाओं को नहीं समझा, अपना निर्णय ले लिया तो उतना रुचिकर नहीं होगा। तो इसमें आपको बहुत 5 दिन में 6 महीने में बहुत आपको समझाया होगा, आप लोगों ने खूब एक्टिविटी की है, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अब मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने जो भी सीखा उसको अपने निजी जिंदगी में लागू नहीं किया, निजी और सामाजिक जिंदगी दोनों में लागू। देखिए कुछ समस्याएं, अगर 100 समस्याएं आपके पास में हैं तो 2-4-10 समस्याएं ऑटोमेटिक अपने आप खत्म हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो समस्या थी भी। जिसे हम समस्या समझ रहे थे तो समस्या है ही नहीं, लेकिन हम समझ रहे थे उसी के चक्कर दबाव में आ रहे थे, प्रॉब्लम में जा रहे थे, लेकिन जो सीखा है उसको जीवन में जब अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक समस्या कम होगी। और जो सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि ये सीखी हुई बातों को आप अपने विद्यालय में भी बुलाएं, कि हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने बच्चों का उन्नयन करें, और बच्चों का उन्नयन तो तब होगा जब हमारे शिक्षकों का उन्नयन, जब उनका तनाव कम होगा, वो चैन से जी रहे होंगे, अभी तो अच्छे से शिक्षण करेंगे, अगर वही दबाव में जी रहे हैं कैसे शिक्षण कर पाएंगे। तो अपने कक्षा कक्ष में इसको अच्छे से लागू कीजिएगा, बच्चों में एक्टिविटी करवाइएगा, ये सब एक्टिविटी आप जो मैं देख रहा हूँ अगर बच्चों में करवाएं, आपको नहीं लगता कि बच्चों का विद्यालय में आने में इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा हो जाएगा, बच्चे खेल खेल में पढ़ना चाहते हैं। अगर उसको हम बोरस रूप में पढ़ा रहे हैं, गोरी रूप में पढ़ा रहे हैं कि चलो आओ किताब से पढ़ लो, तो वो हो सकते वो अमूर्त चीज़ों को नहीं समझते, वो मूर्त चीज़ों को समझते हैं। और शिक्षक वही है, अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चों को खेल खेल में समझा दे, बच्चे समझ भी जाए और उनको पता भी न लगे कि हमें पढ़ाया, बच्चों में एक इंटरेस्ट पैदा करना। क्योंकि हम डिग्री सेक्शन के नहीं लेक्चर दे देंगे काम हो जाएगा, बेसिक को पढ़ाना कोई छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है बेसिक के बच्चों को हैंडल करना, उनको कोई चीज़ बता देना, ये सब करने के लिए आप लोगों का प्रतिभाएं हैं, स्किल्स हैं, क्षमता भी पाओ, थोड़ी बहुत इच्छा शक्ति कभी हो सकती है, उसे आप अब कर देंगे तो बहुत जल्दी से हमारे विद्यालय अच्छे हो जाएंगे, विद्यालय तो अच्छे होंगे ही, अपना जीवन भी तो अच्छा बनेगा।
हम सुखी हैं तो सभी से अच्छे से काम कर पाएंगे, हम ही तकलीफ में हैं तो काम कहाँ से अच्छे से। तो आप लोगों ने 5 दिन तक ट्रेनिंग की, बहुत कुछ सीखा। इतना इस बैच के साथ तो मैं देखता ही नहीं था, ये बैच तो मेरा इतना मतलब स्मूथ नहीं चलता है, जीवन कौशल का बैच, तो मुझे कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो वो लोग आराम से आएंगे, हमें इतना कॉन्फिडेंस, आराम से आएंगे, 5 बजे तक जाएंगे और सब कुछ इसको भी बता। इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य मंजू मैम का, पंकज जी का, आशीष जी का, सुखा मैम का, इन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की है। मंजू मैम तो परेशान थी और भूल गए अपने विद्यालय को, विद्यालय बहुत याद आ रहा है हमको, जाने दीजिए मुझे विद्यालय। अब ये यही लगाव हमें अपने बच्चों के साथ भी है कि हमने ये लगाव बना लिया अपने बच्चों के साथ में, तो बच्चे क्या नहीं आएंगे, आएंगे उनके मम्मी पापा रोकेंगे, फिर भी वो विद्यालय आके आएंगे। और मम्मी पापा भी इतने बेवकूफ नहीं है, अगर बच्चा बार बार विद्यालय आने के लिए कह रहा उसे रोका ही जाए, जब वो नहीं कहता है तभी तो गार्जियन का बच्चे को काम ले जाओ, काम करो जाकर, पढ़ना भी नहीं तो काम करो जाकर। जब बच्चे में पढ़ने का इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो विद्यालय आएगा। तो हमको अपने बच्चों के साथ एक लगाव बनाना, कितने अच्छे टॉपिक हैं, पारस्परिक संबंध, तनाव प्रबंधन, भावना प्रबंधन, भावात्मक बुद्धि, संप्रेषण, मतलब वो टॉपिक हैं जो जीवन में आप एक कदम चलते हैं उसमें से कोई ना कोई आ जाएगा। अभी आप डाइट से निकलेंगे, अपनी चेयर से उठिए और आगे बढ़िए, कोई ना कोई आपका टॉपिक आपकी लाइफ में यूज होना चालू हो जाए। तो ये सब बहुत जरूरी चीज है, सीखे हैं आप लोगों ने, सीखा बहुत अच्छा लगा। और अपने विद्यालयों में आप इसे अप्लाई जरूर कीजिएगा। अभी तो खेल हो सकता है आप लोगों को लेकर सर्कुलेट हो रहा है, हो सकता है आप लोगों को भी प्रशिक्षण देना पड़े, क्योंकि उद्देश्य ये है कि सभी लोगों को जीवन कौशल का प्रशिक्षण दिया जाए। अभी तो हमें एक सैंपल के रूप में उठाएंगे, 15,000 शिक्षक हमारे पास में, अगर बात करें 400 का प्रशिक्षण करवा रहे हैं उसमें भी 15 कम रहे, अभी तक सैंपल था इस हिसाब से इसके रियल देख रहे हैं। तो आप लोगों को उसका सुंदर दाता जो रियल ऐसी परीक्षा देना पड़े तो बात की बात है, लेकिन इसमें जो भी सीखा है विद्यालय में अप्लाई कीजिए अपने जीवन में।